एक खातून ने सांप पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। वो सांप तकरीबन 7 फीट लंबा हो चुका था जिसने अचानक एक दिन खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। उस खातून ने कई हफ्तों सांप को खाना खिलाने की कोशिश जारी रखी लेकिन वो मुकम्मल नाकाम रही, जिस पर खातून अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। खातून ने डॉक्टर को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था। खातून ने जवाब दिया, जी हाँ। डॉक्टर ने फिर से सवाल किया कि जब से उसने खाना पीना छोड़ा है क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को उकड़ाता था। जिस पर खातून ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस करवाने के लिए उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनने के बाद ये कहा कि मोहतरमा, आपका सांप बीमार नहीं है, ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिसामत का रोज़ाना अंदाज़ा लगाता रहा है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया है कि आपको खाने के लिए वो जगह बना सके। खातून डॉक्टर की ये बात सुनकर सकते में आ गई। इस वाक्य से ये नतीजा अखज होता है कि आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना है जो कि इंसानों की सूरत में आपके निहायत करीब हैं, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपके बारे में कोई अच्छे ख्यालात रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास फिरने वाले लोग आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले तमाम लोग आपके हमदर्द हैं। बस आपने इनको पहचानना है कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका खैरख्वाह।